Everyone watching this video, I'm Naveen. So today again we are going to learn some more common words in this video, and this is part 20. So let's begin. The first word is stitch. Stitch ka arth hai silna ya silai karna. Get stitched, silai karwana. Knit ke yahan pe silent hai to knit bolenge. Knit ka arth hai bunna, jo sweater wagera bunte hain. Darn, darn ka arth hai rafu karna, halka sa kahin se bhi kapda phate aata hai to use darn karte hain. Stitch off, udhedna. टेक मेजरमेंट, नाप लेना. सोक, सोक का अर्थ है भिंगोना, किसी को भिंगा देना, भिंगो देना. रब, रब का अर्थ है रगड़ना. रिंग क्लोथ्स, निचोड़ना, कपड़े निचोड़ना. फ्लैप या फ्लटर, फटकाना. कपड़े निचोड़ने के बाद में फटकारते हैं उन्हें, तो फ्लटर करते हैं या फिर फ्लैप करते हैं. हैंग क्लोथ्स, टांगना, कपड़े टांगना. ड्राई क्लोथ्स, सुखाना. ब्रिंग डाउन, नीचे लाना उन्हें. आयरन द क्लोथ्स, इस्त्री करना या उस पर प्रेस करना एक तरह से. फोल्ड द क्लोथ्स, तह करना, और उन्हें तह करना या उन्हें खोलना होता है, अनफोल्ड करना. मेक क्लोथ्स डर्टी, गंदा कर देना कपड़े को, तो मेक क्लोथ्स डर्टी. हैंग मी डाउन्स होता है उतरन, जैसे किसी के पहने हुए कपड़े हैं छोटे हो गए तो कोई और पहन रहा है उन्हें, तो वो उसके लिए हैंड मी डाउन्स हैं, उतरन है. ऐसे बड़े भाई बड़ी बहन के जो कपड़े पहन लेते हैं तो उसे हैंड मी डाउन्स बोलेंगे. नेक्स्ट, स्वैंकी क्लोथ्स, महंगे कपड़े. महंगे और जो स्टाइलिश हैं उन दोनों को ही हम स्वैंकी बोलेंगे, ठीक है. और वैसे महंगों को हम एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं, कॉस्टली भी बोल सकते हैं. टॉर्न क्लोथ्स का अर्थ फटे कपड़े. वर्न आउट या यूज्ड क्लोथ्स, पहने हुए कपड़े, किसी के पहने हुए कपड़े हैं, घिसे पिटे कपड़े हैं, तो उन्हें हम वर्न आउट क्लोथ्स या फिर यूज्ड क्लोथ्स बोल सकते हैं. तो इस वीडियो में इतने वर्ड्स हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी और वर्ड्स सीखने वाले हैं. चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें, और जो कॉमन सेंटेंसेज हैं वो भी हमारे पार्ट 50 तक कवर होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियोस को शेयर भी करें और देखते रहें, सीखते रहें. थैंक यू सो मच.